मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे का पुतला जलाया है। आपको बता दें कि भाजपा कॉन्ट्रैक्टर भर्ती के विरोध में आक्रामक रूप से प्रदर्शन कर रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निकाल सरकार परिषद को लेकर महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्टर भर्ती के जीआर को रद्द करने का ऐलान किया और कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान उद्धव ठाकरे और शरद पवार के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर भर्ती की पद्धति लाई गई थी। देवेंद्र फडणवीस के कल पत्रकार परिषद के बाद विरोधी दल के तरफ से सत्ताधारी पार्टियों पर आरोप लगाया गया था कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर भर्ती रद्द करना है तो जो अग्निवीर योजना लाई गई थी उसमें सैनिकों को सरकारी सुविधाएं कुछ भी नहीं मिल रही हैं, अग्निवीर योजना को भी रद्द करें, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर भर्ती को भी रद्द किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा ठाणे के जिला अधिकारी कार्यालय के पास उद्धव ठाकरे के पुतले को जलाया गया और जो है लाल जूतों चप्पलों से भी पुतले को मारा गया है। कॉन्ट्रैक्ट भर्ती का जो निर्णय का पाप है वो ठाकरे सरकार के समय में लिया गया था। कल सम्माननीय उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने इस बात की घोषणा की कि ये निर्णय रद्द करने में आया है, इसके लिए मैं उनके लाख लाख आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय शिंदे साहब, माननीय फडणवीस साहब, माननीय अजित पवार, इनके नेतृत्व में ये सरकार ये निर्णय ले रही है और जिस वजह से लाखों युवक युवतियों को रोजगार की संधि मिलेगी, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट के इसमें उनको खुलेंगी। इसके लिए मैं तत्कालीन सरकार के जो आज आईपी की सरकार माननीय शिंदे साहब के, माननीय फडणवीस साहब के, माननीय अजीत दादा के नेतृत्व में काम कर रही है उनका लाख लाख आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मोदी जी ने दो दिन पहले ही जो स्वयं रोजगार का और जो कौशल्य विकास का प्रोग्राम जाहिर किया था उसके अंतर्गत जो लाखों युवक युवती अपने कौशल्य के माध्यम से काम कर रहे हैं या उनको ट्रेनिंग मिल रही है उनको भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज इस माध्यम से खुलेंगी। टीचर्स के भी यहाँ पे भर्ती निश्चित ही शुरू होगी ऐसा विश्वास मुझे है और इसके लिए मैं इस गवर्नमेंट के बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इससे उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी है कि उन्होंने ही उनके सरकार के समय पे, माननीय ठाकरे सरकार के समय पे ही ये, उद्धव जी के समय पे ही ये निर्णय हुआ था, ये आवाड जी ने अपने स्टेटमेंट में कबूली दे दी है। आज उन्होंने अपने पाप छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर अगर वो उंगली उठा रहे हैं तो वो ध्यान रखें कि तीन उंगलियां उनकी तरफ इशारा कर रही है। देखो, इस निर्णय जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो भर्ती है वो रद्द करने के माध्यम से सभी युवक युवती माने जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं वो भी और जो बाकी बाहर है ओपन में है और जिन लोगों को अभी तक जॉब मिली नहीं है उन सबको एक जॉब अपॉर्चुनिटी खुलती है। इसके लिए सरकार लिखी थी, सबका अपने बुद्धिपूर्वक विचार करेगी।